साइंस एंड एंगल्स की अपन थर्ड एक्सरसाइज, मतलब कि 6.3 के पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पहले करेंगे, और फिर तो उसके बाद बाकी क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। एम अल्टीमेटली ये है कि अपने को पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है सर, अगर अपन देखें ध्यान से 6.3 की तरफ, मेरे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन नंबर 6 बनता है सबसे पहले। तो सर क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सबसे पहले करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 कहीं ना कहीं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है। आपको बोल के रखा है कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर है। मैंने बोला ठीक है यार, अच्छी बात है कि ट्राइंगल क्या है आपके पास, पी क्यू एंड आर। आपको बोला है साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस, मतलब क्यू आर कहां तक निकल गई है, एस। और इफ द बायसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर का बायसेक्टर। सर बायसेक्टर का मतलब इसको दो अलग अलग हिस्सों में इक्वल कर दिया। एंड बायसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, एंड बायसेक्टर ऑफ एंगल कितना, पी आर और एस मीट एट पॉइंट टी। मीट एट पॉइंट व्हाट, जी टी। अब कुछ बातें हैं, वो ये प्रूफ करना चाहते हैं आपसे कि टू प्रूफ करो कि एंगल क्यू टी आर, मतलब पर्टिकुलरली बताऊं याला एंगल टी, क्यू टी आर का मतलब ही कौन सा एंगल, टी इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, इसका मतलब एंगल। इन शॉर्ट वो चाहते हैं कि आप प्रूफ करके दो कि भाई जो एंगल टी है वो आधा एंगल क्या है, पी। ऐसे में तो मेरी अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को लेके वो कुछ इस प्रकार से रहेगी कि मैं आपको बताऊं कि क्यों ना हम सबसे पहले तो ये निकालें कि भाई एंगल पी आर एस क्या है, पी आर एस। तो अंकल ये जो पहली बात तो बायसेक्टर है, तो अगर पूरी बात करो एंगल पी आर एस, अगर एंगल पी आर एस के बारे में बात करें तो वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अपने वाले को छोड़ के बाकी दो एंगल के क्या रहेगा, इक्वल। बाकी दो एंगल के क्या रहेगा, कैन वी से एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस कितना, एंगल क्यू। एंगल पी आर एस इज इक्वल टू कितना, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, क्योंकि आप खुद सोचो ना ये एंगल क्या है तुम्हारे पास, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अपने वाले को छोड़ के बाकी एंगल पी और एंगल क्यू की क्या रहेगा, इक्वल। गेटिंग इट, तो एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस कितना, एंगल क्यू। ठीक है सर, ये अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ ये अच्छी तो बात है। और उल्टा मैं तो यही बोलना चाहूंगा यहाँ पे क्यू का मतलब क्या है, टू एक्स का मतलब क्या है, क्योंकि आप पूरा एंगल क्यू ले रहे हैं ना। तो सर आपको एक बात तो मिल गई कि एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस कितना, टू एक्स। मैं चाहता हूं इसमें कहीं ना कहीं हाफ मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि मेरे को पूरा पी आर एस की जगह अगर आधा पी आर एस चाहिए, मतलब सिर्फ इतना हिस्सा ही चाहिए पी आर एस का, क्योंकि ये भी बायसेक्टर है। आपको क्या बोला है, ये भी बायसेक्टर है और ये भी क्या है, बायसेक्टर। एक एंगल क्यू का बायसेक्टर है और एक एंगल आर का बायसेक्टर, सही है यहाँ तक। तो मैं सब में हाफ ऑफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हाफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाफ एंगल पी और हाफ ऑफ टू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स, सही है क्या। हाँ सर इसमें से मेरे को एक बात अच्छी समझ में आ गई कि बता, पूरे पीआरएस का आधा, क्या मैं बोल सकता हूँ टीआरएस, भाई सर, पूरे पीआरएस का आधा क्या हो जाएगा, टीआरएस। तो एंगल टी आर एस इज इक्वल टू हाफ एंगल पी प्लस एक्स, ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर वन। ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर वन। अब मैं घूर घूर के देखना चाहता हूं दिल से और आराम से, कौन से वाले ट्राइंगल को, ट्राइंगल कौन सा वाला आपका, क्यू टी आर, कौन सा वाला दिख रहा है क्या आपको, क्यू टी आर। तो अगर मैं बात करूं यस ट्राइंगल क्यू टी आर, जो एक्सटीरियर एंगल है वो तो इतना सही है, सर, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो क्या है एक्सटीरियर एंगल, वो अपने वाले को छोड़ के बाकी दोनों क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू प्लस एंगल टी, जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने वाले को छोड़ के बाकी दो के क्या होता है, इक्वल। तो सर एंगल टी आर एस अगर सर अपन ध्यान से देखें तो
एंगल टी आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अच्छे से, एंगल टी प्लस कितना एक्स, एंगल टी प्लस कितना एक्स, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर कौन सी टू। तो सर अगर मेरे को बात करूं ना तो मेरे पास यहाँ पे भी टी आर एस की वैल्यू है और ये भी किसकी वैल्यू है टी आर एस की, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू कितना एंगल टी आर एस, इसका मतलब एंगल टी प्लस एक्स इक्वल टू हाफ एंगल पी प्लस एक्स, एक्स एक्स क्या हो गया तो एंगल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ एंगल पी, एंगल टी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल पी, हाफ एंगल पी। सर एक बार क्वेश्चन को रिव्यू करें फिर से अगर करना चाहें तो, मैंने बोला देख बहुत इंपॉर्टेंट बात गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, देखो बोला गया था एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, हमने बोला ठीक है सर पी क्यू आर है, अब इस ट्रायंगल पी क्यू आर को देख के सबसे पहली बात तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी जो ये वाला एंगल बन रहा था पी आर एस, तो वो एंगल पी आर एस जो बाहर का एंगल था कौन सा वाला पी आर एस, वो अपने वाले को छोड़ के बाकी दोनों क्या रहे इक्वल, तो अपन ने ये लिखना चाहा कि एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू। सर इसके बाद आपने क्या समझना चाहा और क्या लिखना चाहा, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई ये इसका भी बायसेक्टर और एक यहाँ से इसका भी बायसेक्टर, मतलब इसको दो हिस्सों में इक्वल काटने वाला, इसको भी दो हिस्सों में इक्वल काटने वाला, जाके मिलते हैं कहाँ पे टी पे, तो मैंने ठीक है इसका मतलब क्यू को आप कितना मान रहे हो एक्स मान रहे हो कि टू एक्स मान रहे हो, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू आपके पास एक्स एंगल पी प्लस कितना टू एक्स, मेरी इच्छा हुई कि मैं आधे आधे पे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे को बाद में पी आर एस की जगह किसकी वैल्यू मिल जाए टी आर एस की, तो मैंने हाफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाफ एंगल पी और टू एक्स का आधा कितना हो जाएगा एक्स। तो सर इन शॉर्ट आपने निकालना चाहिए किसकी वैल्यू टी आर एस, मैंने किसकी वैल्यू निकालना चाहिए आधा पी आर एस, आधा पी आर एस इज वॉट टी आर एस, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू हाफ एंगल पी एक्स, ठीक है ना हाफ एंगल पी प्लस एक्स। अब सर आपने इसके बाद क्या कराया हमको सेकंड लेवल पे, सेकंड लेवल पे आपने कहीं ना कहीं समझाना चाहा कि अब तुम देखो ही घूर घूर के ट्राइंगल कौन से क्यू टी आर, कौन से ट्राइंगल को देखो इन ट्राइंगल क्यू टी आर एंगल टी आर एस, टी आर एस इज इक्वल टू कितना एंगल टी प्लस कितना एक्स, एंगल क्यू का मतलब तो एक्स ही हो गया, मैंने बोला यार ये देखो ये भी टी आर एस की वैल्यू है ये भी टी आर एस की वैल्यू है, मैंने दोनों का आपस में क्या कर दिया इक्वेट, मतलब मैंने बोल दिया भाई एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, इसका मतलब हाफ एंगल पी प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल टी प्लस एक्स, एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल, हाफ एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी, सही है। सर क्वेश्चन तो अच्छा था, पहले आपने पी आर एस किया फिर आपने आधा आधा किया और फिर आपका क्वेश्चन ऐसे पूरा हुआ। सर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिल के बड़े करीब रहता है, पहले बच्चों को वो भी कराना चाहूंगा फिर मैं आगे आपको उतारने का समय अवश्य दूंगा। तो सर आप क्या समझाना चाहते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, अगर आप समझना चाहें और अच्छे से देखना चाहें तो हम किस तरफ जाएंगे, कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो उसको इस प्रकार से समझेंगे हम लोग, ये आपके सामने आपको बोल के रखे कि एक ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी सच दैट ए बी सी इन सच दैट बायसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट ओ, अब एक्सटीरियर एंगल बी तो यहां से हो गया और यहां से एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया सी, इनके बायसेक्टर, पहले अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि सर अगर आप इस एक्सटीरियर एंगल को नाम देके इसके बारे में हमको कुछ समझा पाए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैं बोलना चाहता हूं कि एंगल बाहर एक्सटीरियर एंगल बी, कौन सा वाला एक्सटीरियर एंगल बी, अपनी वाली को छोड़ किसकी इक्वल होगा ए और सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी। सर एक्सटीरियर एंगल सी मतलब ये वाला एंगल, ये इसको छोड़ के किसकी इक्वल होगा ए और बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, मेरी बात तो ये बनती है कि अगर मैं दोनों एंगल को ऐड भी कर दूं
कौन सा वाला? एक्सटीरियर एंगल बी प्लस एक्सटीरियर एंगल सी, मतलब ये वाला एक्सटीरियर और ये वाला एक्सटीरियर। तो सर आप बताना चाहते हो कि एक्सटीरियर वाले कौन से, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, क्योंकि एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल ए, सही है क्या? सर अब आपसे कुछ और बातें मन से निकलती है और वो बातें आप क्या समझाना चाहते हो, तो वो इस प्रकार समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आगे आपको बोल रहा है कि अगर मैं यहां तक भी पहले बात करूं तो एबीसी कितना होता है 180, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180, तो पूरा एक्सटीरियर एंगल बी प्लस एक्सटीरियर एंगल कौन सा सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए, सॉरी 180 डिग्री प्लस एंगल ए, सही है क्या? सर आपने क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं करा दोस्तों, मैंने ए प्लस बी प्लस सी को कितना मान लिया 180, मैंने ए प्लस बी प्लस सी को क्या मान लिया 180। सर अब आपकी बात किस तरफ जाती है, वो बोल रहे हैं इसका बायसेक्टर और इसका बायसेक्टर मिल रहा है कहाँ पे, ओ पे, बायसेक्टर मतलब इसको पूरा करा कि आधा कर दिया, आधा कर दिया, बायसेक्टर का मतलब ही क्या है, इस पूरे एंगल को क्या कर दिया आधा, पूरे एंगल को कर दिया। तो एक्सटीरियर एंगल बी कितना होगा तुम्हारे पास, अगर मैं आधा कर दूं तो आधा ऑफ दिस एंगल बी प्लस आधा एंगल सी इज इक्वल टू 180 का आधा कितना हुआ 90 प्लस आधा एंगल ए, हाँ ये दोनों एक्सटीरियर वाले एंगल्स, मतलब एक्सटीरियर मतलब कितना एक्स और कितना हो गया वाई, इन शॉर्ट आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस कितना हो गया हाफ एंगल ए। सर आधा क्यों करना है तो उन्होंने क्या पूछा है उसके लिए तुझे पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आपसे टू प्रूफ क्या पूछा, उन्होंने बोला टू प्रूफ करो कि जो एंगल बी ओ सी, एंगल क्या है उन्होंने टू प्रूफ में बोल के रखा है कि प्रूफ करो कि टू प्रूफ में एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ई, 90 डिग्री माइनस कितना, ऐसा इन्होंने बोला है कि प्रूफ करो, ऐसा इन्होंने क्या बोला है, हमने बोला ठीक है, हमने पहले क्या करा पूरे एक्सटीरियर एंगल बी को बोला भाई तू एंगल ए प्लस कितना है सी, फिर पूरे एक्सटीरियर एंगल सी को बोला तू एंगल ए प्लस कितना है डी, तो इक्वेशन वन बनाई फिर इक्वेशन क्या बना टू, दोनों को ऐड कर दिया तो पूरा एक्सटीरियर बी प्लस पूरा एक्सटीरियर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, गॉट इट सर, ठीक है, का मतलब वो क्या हो गया 180 प्लस एंगल ए, 180 प्लस कितना एंगल, अब आधा इसलिए करना है कि इस वाले ट्राइंगल में जो अंदर का ट्राइंगल बन रहा है इसमें पूरे पूरे एंगल आ रहे हैं कि आधे आधे, तो इसलिए अपने को आधा एंगल बी आधा एंगल सी इज इक्वल टू 90 प्लस कितना हाफ एंगल ए। अब सर अगर हम आपसे बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो हम किस तरफ गायब हो रहे हैं और किस तरफ चीजें कर रहे हैं, तो देखा जाए तो सर वो इस प्रकार से है कि अगर अपन बात करें और सिस्टमेटिक बात करें कि x प्लस y प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना 180, तो 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल a प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना 180, तो सर इसको उधर भेजते हो इसको भी उधर भेज, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए, एंगल बी ओ सी कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री प्लस माइनस हाफ एंगल ए, 90 डिग्री माइनस कितना हाफ एंगल ए। सर ठीक है बात है, क्यों कहाँ अटका, एक्स प्लस वाई की तो वैल्यू थी 90 प्लस कितना हाफ एंगल है, जब ये 90 इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 90 कितना हो गया 90, और ये हाफ एंगल जाएगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हाफ एंगल, हाफ एंगल। सर एक बार इस पूरे क्वेश्चन का फट से अगर रिवीजन करा दें तो कुछ ऐसा था ये पूरा क्वेश्चन, अगर अपन बात करके चले तो हम इस प्रकार से बात करेंगे, सर एक ट्राइंगल गिवन था आपको ए बी सी और उसका ये जो एक्सटीरियर एंगल था पता नहीं क्यों, और यहाँ से ये जो पूरा एक्सटीरियर एंगल था आप चाहो तो इसको एंगल वन और इसको एंगल टू भी कह सकते हो, तो मैंने एंगल वन की वैल्यू बताना चाहिए कि एंगल वन अपनी वाली को छोड़ के
एंगल ए और एंगल सी के साथ इक्वल होगा, एंगल टू अपनी वाली को छोड़ के एंगल ए और एंगल बी के साथ इक्वल होगा। जब हमने एंगल ए वन प्लस एंगल टू करना चाहा तो वो क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस ए। सर यहां तक ये कितना हो गया 180, तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल ए। सर जब इसको बीच में से काटा गया तो इसका मतलब हमको आधा एंगल चाहिए था, तो हमने आधा एंगल ए प्लस हाफ एंगल टू इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल ए, क्योंकि इसको भी आधा कर दिया, इसको भी कितना कर दिया आधा। सर इसका मतलब आपको इसका वैल्यू किसकी आ गई, एक्स और वाई। इन शॉर्ट आप इसके थ्रू कह पाए बहुत क्लियरली कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हाफ एंगल ए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस। अब अगर कोई मुझसे पूछे एंगल बीओसी की क्या वैल्यू होगी, तो मैं बोलूंगा एक्स प्लस वाई प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू कितना 180। सर अब इसी में अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए प्लस एंगल बीओसी 180। अब अगर ऐसे में अगर अपन बात करें तो एंगल बीओसी 180 माइनस 90 माइनस हाफ एंगल ए, तो एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस यही चीज आपको करनी थी। सर अगर अपन थोड़ा सा और गेम चलाएं आपके साथ, अगर ये बात करें तो इसी का एक और क्वेश्चन भी आता है आपके पास। सर क्वेश्चन कैसा आता है पहले आपको बताना चाहिए, मैंने बोला हाँ क्वेश्चन कैसा आता है वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। सर क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर मैं बोलूं एबीसी एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, ए ए बी और सी एक ट्राइंगल है आपके पास, और आपको बोल के रखा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट व्हाट ओ, और आपको प्रूफ करना है कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। ये आपके पास टू प्रूफ। सर मैं तो एक ही बात जानता हूं, अगर आप लोग अलाउ करें, कैन वी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। सर इसका मतलब आप बोलना चाहते हो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, आधा एंगल बी प्लस आधा एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सर इधर तो आधा एंगल बी और आधा एंगल सी है ना अंदर, इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री हाफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री माइनस कितना। सर अब आप क्या करोगे, मैंने बोला वही करूंगा इन ट्राइंगल व्हाट बी ओ सी x प्लस y प्लस एंगल बी ओ सी 180, और x प्लस y की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री माइनस प्लस एंगल बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी अगर यहाँ तक ठीक है तो समझ में आ गया होगा। तो तीन क्वेश्चन करेंगे आराम से, पहले देखो फिर करते हैं। चलें है ना, अब अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें तो ये आपके पास क्या है, ये P है आपके पास, ये Q है आपके पास, ये R है आपके पास, और आपको बोल के रखा है प्लीज ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है 110 ये एंगल गिवन है और ये 135 एक एंगल गिवन है, इसमें आपसे PRQ पूछा है, मतलब ये वाला एंगल पूछा है। हाँ 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इतना लड्डू क्वेश्चन है कि सर ये हो गया 70, ये हो गया 45, ये कितना हो गया 45, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब ये प्लस ये कितने होते हैं 180 और ये प्लस ये भी कितने होते हैं 180, तो सर ये हो गया 70, ये कितना हो गया 45, लिखना पड़ेगा ऐसा कि भाई 110 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, 135 प्लस एंगल P इज इक्वल टू कितना 180, तो इससे आपका एंगल Q कितना आ गया 70, एंगल P कितना आ गया 45,
फिर आपको लिखना पड़ेगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना 180। 70 प्लस 45 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, शायद एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 115, तो एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। ठीक है सर, कोई टफ नहीं था, मेरे को बिल्कुल टफ नहीं लगा, मतलब ये तो फालतू लिखा अपन ने, ये देख के भी समझ में आ सकता है। ठीक है, अगर मैं अगला क्वेश्चन बच्चों से पूछूं तो अगले क्वेश्चन में फिगर गिवन है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इजी हैं, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको बहुत इजी वे में लीजिए, कि अगर आपके पास ये एक एंगल है एक्स, देन एक एंगल है वाई, देन एक एंगल है जेड, और आपको बोल के रखा है क्या वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर्स है, क्या है जेड ओ क्या है बाइसेक्टर्स, सर पहली बात तो आपको ये कितना गिवन है, अगर हम बात ये पूरा कितना गिवन है 54, इसका मतलब वो आधा 27 है और ये आधा कितना है 27। तो आपसे पहली बात तो एंगल को जेड पूछ लेते हैं, बोलूंगा 62 प्लस 54 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180, तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 116, तो एंगल जेड इज इक्वल टू कितना 64, तो आधा एंगल जेड मतलब ठीक कितना हो जाएगा 32 डिग्री, सही है क्या था? जो भी आया समझ में, तो 121 आ गया क्या? मैंने बोला हाँ, मतलब ये कोई ऐसा टफ तो नहीं था जितना मैं समझ पाया, और अगर मैं और बात करूं आप लोगों से तो हमारे पास क्या चीजें हैं, अगर अपन देखें तो सी डी ई ए बी, ये एंगल आपको 35 गिवन है, तो ऑटोमेटिकली वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 35, और ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में वाला एंगल आपको 33 गिवन है, तो कैन वी फाइंड दिस एंगल, तो सर अपन बोल देंगे 53 प्लस 35 एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 92, तो एंगल सी इज इक्वल टू 88। ठीक है सर, इजी था, कोई इतना टफ नहीं था। अगर मैं इसके बाद एंगल फोर तो बहुत इजी है, एंगल फोर तो बहुत इजी है, सर आपका माइक ऑफ है, सर आपका माइक म्यूट पे है। पी आर डी, और ये एंगल ऐसा जाके यहाँ पे मिल रहा है आपसे किससे, क्यू से, तो ये प्लस क्यू और कितना है एस, ये आपको 95 गिवन है, ये आपको कितना गिवन है 40, तो किससे पूछे तो 95 प्लस 40 प्लस अगर ये वाला एंगल निकाल लूं एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 95 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू कितना 180, 135 प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130, तो ये हो जाएगा 45, अगर ये 45 हो गया तो ये भी कितना 45, ये आपको 75 गिवन है, ये दोनों एंगल गिवन थे तो x निकल गया, अब ये x कितना है 45, तो ये भी कितना आएगा 45, सही है, अब 45
प्लस 75 प्लस क्यू 180, ये दोनों मिला के हो जाएंगे 120 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180, एंगल क्यू इज 60, ठीक है।